हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू कुमार। कैसे हो आप सब भाई? सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जैसे कि क्योंकि हमारे स्किन पे बढ़ती उम्र के साथ हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। हमें समझ नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदे, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदे। हमारी स्किन में एक ही प्रॉब्लम नहीं होता, अनेकों प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी एक्ने पिंपल्स आना, तो कभी दाग धब्बा बन जाना, कभी हमारे ब्लैक हेयर्स हो जाना, कभी हमारे व्हाइट हेयर्स हो जाना, मतलब इन सब की शिकायतें इतनी ज़्यादा होती है, कभी मेलाज्मा, कभी पिगमेंटेशन, ये सब की शिकायतें होती है हमारे फेस पे। तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदे और कौन सा यूज करे, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट है, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे स्किन पे सूट करेगा, कौन से स्किन पे ये प्रोडक्ट लगाया जाएगा, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स है, क्या नहीं है, ये सब हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। हम ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, उससे पहले आप उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लीजिएगा और डॉक्टर की सलाह तो आप जरूर लीजिएगा, फिर बाद में कोई प्रोडक्ट खरीदो, फिर बाद में आप अपनी स्किन पे लगाया करो और चेक करके फिर बाद में आप अपनी स्किन पे लगाया करो। ऐसे ही डायरेक्टली मत लगाया। कौन से स्किन के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है और क्या नाम है इस प्रोडक्ट का, वही जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स हो रखे हैं, देखो बढ़ती उम्र के साथ अक्सर सभी के स्किन पे एक्ने पिंपल्स जरूर आते हैं और ये कॉमन बात है, हर किसी की स्किन पे ये सब की समस्या आती है, पर हम उसको रिमूव करने के लिए काफी प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं कि भाई इसको कैसे रिमूव करें, कैसे नहीं करें, ठीक है। तो बढ़ती उम्र के साथ वो एक्ने पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, तो उनको ये रिमूव करने में काफी ज्यादा मदद करता है। या फिर समर के टाइम पे हमारी स्किन पे एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं तो उसको भी रिमूव करता है, या फिर हमारी स्किन जब हम कोई भी ऑयली चीजें खाते हैं तो उससे भी हमारी स्किन पे एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं तो उसको भी ये रिमूव करता है। तो अगर आपकी स्किन पे कैसा भी एक्ने पिंपल्स है, रेडनेस हो रखी है आपकी स्किन पे और एक्ने पिंपल्स में काफी दर्द होता है, जलन होती है और वो आपकी स्किन से जा ही नहीं रहा, हट ही नहीं रहा, तो आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है वो जानेंगे और ये डॉक्टर के द्वारा ही दी जाने वाला प्रोडक्ट है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डॉक्टर के द्वारा ही लिया गया था और इससे काफी ज्यादा फायदा मिला है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजोल पैरा ऑक्साइड, 2.5% इसमें डाला हुआ है। इस टाइप की पैकेजिंग मिलेगी, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा और काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है। आपको ये मेडिकल स्टोर में बड़े आसान से मिलने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अपनी स्किन के एक्ने पिंपल्स को रिमूव करने में काफी ज्यादा मदद करता है और हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, उसको भी रिमूव करने में काफी ज्यादा वर्क करता है। 20 ग्राम की क्वांटिटी में मिलेगी और इसकी प्राइस 110 रुपीज है। आपको मेडिकल स्टोर में बड़ी आसान से मिलने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर को भी बताओगे कि मैं बेंजोल पेरोक्साइड प्रोडक्ट का यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये जेल है और काफी अच्छा जेल है ये, और इसमें डाला हुआ है 2.5% डाला हुआ है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स है, किसी प्रकार के भी आपने पिंपल्स हो चुके हैं, मोटे वाले या किसी प्रकार का भी पिंपल्स हो रखा है, जैसे छोटे मोटे बड़े ऐसे इस तरीके के हो रखे हैं, रेड वाले हो रखे हैं या फिर किसी टाइप के भी हो रखे हैं, तो उसको रिमूव करने में काफी ज्यादा मदद करता है। अब बात करते हैं इसकी, इस प्रोडक्ट को लगाना कब है। तो इस प्रोडक्ट को आपको ओनली नाइट में लगाना है, डे में बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिएगा। अगर डे में यूज भी करते हो तो धूल मिट्टी में मत घूमिएगा, वैसे ये डे में भी लगाने वाला प्रोडक्ट है और नाइट में भी लगाने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन नाइट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम धूल मिट्टी में नहीं घूमते, इसलिए मैं नाइट में बता रही हूँ। और इस प्रोडक्ट को आप नाइट में सोते टाइम लगाना है, अपनी स्किन को क्लीन करने के बाद इस प्रोडक्ट का यूज करना है और आपके एक्ने पिंपल्स पे ही यूज करना है, पूरे फेस पे यूज नहीं करना। पूरे फेस पे अगर प्रॉब्लम है एक्ने पिंपल्स की तो आप पूरे फेस पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन जहां जहां आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है तभी ही लगाना है, ऐसे ही नहीं लगाना है, जहां जहां प्रॉब्लम है वहीं वहीं पे लगाना है, 15-20 दिन तक रेगुलर लगाना है। आप इस प्रोडक्ट को 1 मंथ तक भी लगा सकते हो, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर हो आपकी स्किन पे साइड इफेक्ट तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट। अगर आपकी स्किन पे जलन, खुजली, इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इस प्रोडक्ट को नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी स्किन पे सूट नहीं कर रहा, तभी आपकी स्किन पे जलन, खुजली, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। यह है इसके साइड इफेक्ट। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, एंड करते इस वीडियो को। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, और जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को उनको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।